कि आप क्या लेने जा रहे हैं। मेडिसिन कौन सी लेने जा रहे हो? मेडिसिन एक तो अम्मी के दांत तकलीफ थी उनके लिए लेनी है, रिफेब्रामाइसिन लेना है और पैनाडोल लेनी थी कुछ इस तरह की, एक जो उनकी एलर्जिक। अच्छा, रिफेब्रामाइसिन इफेक्टिव है अभी तक? बहुत ज़बरदस्त। ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो? क्या कर रहे हैं, क्या कर क्या रहे? अच्छा जी, बोल लो। हाँ, कि असल में मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन अगर ना हो ना तो फिर ड्रग रेजिस्टेंस नहीं आती। हाँ, अभी दस से लेफ्ट पे वालेकुम। तो ये उसी वक्त पैदा होती है जो मिसयूज़ सेल्फ मेडिकेशन या फिर डॉक्टर से पास जाके ये तवक्का करना कि अच्छा अब पहली खुराक के बाद हम ठीक हो जाए। अच्छा यार, ये बता उसमें का वेट कितना है? वज़न तो मैं 90 के आसपास होगा। 90? हाइट कितनी है इनकी? 5'3" होगी मैं ख्याल। 5'3" होगी। आप चाहते हो कुछ ये इसका वेट रिड्यूस हो? वेट रिड्यूस? हाँ, वो आप है। उसको छोड़ो, आप क्या चाहते हो? मैंने क्या चाहना है, तो सेल्फ मोटिवेशन होती है इंसान की और उसमें आपकी तस्वीर गायब है, आई नहीं रही। ये फ्रंट आ रहा है। अच्छा, फ्रंट के दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी इधर अंधेरा हो जाता है ना, इस वजह से फिर मैंने उसको कर दिया है। उसमें जो है ना सेल्फ मोटिवेशन वो है, दिलचस्पी है। तो उसमें मैंने कहा है कि एक तो ये आप गंदम छोड़ दें, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद कर दो। इसके वैसे ही बहुत साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं अब, क्योंकि लोग ने काम शुरू कर दिया है तो जब तक काम नहीं हुआ था लोग बाहर से इम्पोर्टेड सिर्फ उस पर रिलाय करते थे, रिसर्च पर, अमेरिकन बेस्ड रिसर्च पर, बल्कि आसान लफ्ज़ों में कहा अमेरिकन बेस्ड रिसर्च पर। अच्छा, मेरा अभी यहाँ सवाल है, 700 करोड़ की आबादी है पूरी ज़मीन की। जी जी, ठीक है ना, सिर्फ हम कुछ एशियन कंट्री को निकाल दें जो कि राइस खा रहे हैं, बाकी तो सारे लोग गंदम खा रहे हैं फिर? नहीं, बात यह है कि आप ये पूरी दुनिया में देख लीजिए कि जो एवरेज लाइफ है कम हुई है, ज़्यादा हुई है? नहीं नहीं, चंद एक मालिक के जो ऑर्गेनिक फूड की तरफ गए हैं जिनका लाइफ स्टाइल। ऑर्गेनिक फूड, अगेन मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है, नोट छापने की बात है। अच्छा, एक चीज़ जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है, वो ये है कि हर खाने वाली चीज़ जिसकी इजाज़त है अल्लाह ने दी है, मैं यहाँ अल्लाह की बात करूँगा या अपने रसूल की बात करूँगा, जिसको हम हलाल कहते हैं, हर हलाल चीज़ जो खाई जा सकती है वो हर एक के लिए नहीं बनी। अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हलालन तैयबा, तो तैयब के मतलब सूटेबल, मुआफिक। अगर हम इसके मानी लेते हैं पाक, तो किस चीज़ से पाक? एलर्जी से पाक, नुकसान से पाक। गंदम का जो साइड इफ़ेक्ट बताया जा रहा है ना, मैंने इस पर खासा स्टडी किया है, पिछले 4 साल से मैं वेट लॉस चला रहा हूँ। अच्छा, पिछले 4 साल से वेट लॉस चला रहा हूँ, जितना कुछ मैंने बुक्स पढ़ा है, डाटा लिया है, इसमें दो चीज़ें हैं सिर्फ गंदम के अंदर, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अच्छा, उसके बाद इसका ग्लूटेन एलर्जी है। ग्लूटेन एलर्जी की वजह से सीलिक डिजीज़ बनेगी या किसी को सोरायसिस हो जाएगा, ठीक है? हाँ, तो अच्छा, ग्लूटेन की एलर्जी, हाँ, ग्लूटेन एलर्जी, ये दो चीज़ें पैदा करेगी, सीलिक डिसेंट्री हो जाएगी, सीलिक डिजीज हो जाएंगी या सोरेसिस हो जाएगा। अच्छा, जिनको ये नहीं है उनके लिए हलाल भी है तैयब भी है, आराम से खाएं। अच्छा, किसके लिए तैयब नहीं है गंदम? दूसरी बात, वो लोग जो नॉन डायबिटिक हैं, वो लोग जो नॉन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के हैं, वो लोग जो नॉन कैंसर के पेशेंट हैं, उनके लिए तैयब नहीं रही, नहीं खाएंगे। ना सिर्फ गंदम नहीं खाएंगे, इवन वो राइस भी नहीं खाएंगे। तो इस लिहाज से मेजॉरिटी ऑफ बंगाल, साउथ इंडियन, थाईलैंड राइस खा रहे हैं, उन्होंने गंदम की शक्ल नहीं देखी। अगर हम कहेंगे भी
चावलों से मोटापा आता है तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ओबीज होना चाहिए, नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई फूड मुआफिक है आप खाएं, चाहे वो गंदम है चाहे चावल हो। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने फेसबुक पेज पे बताता हूँ, अगर आपका वज़न आपके लिए मसाइल पैदा नहीं कर रहा, मतलब आप चल सकते हैं, फिर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, रोज़मर्रा के काम काज कर सकते हैं, तो इसको मत छेड़ो। अल्लाह ने आपको आपके बॉडी फ्रेम के हिसाब से वज़न बख्शा है, इसको कंटिन्यू करो। जब वज़न आपके लिए आगे चलकर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन का पेश खैमा हो सकता हो तो उस वक्त सिर्फ आप अपनी ईटिंग हैबिट बदलेंगे। एक बात मैंने नोटिस की है कि आप वीट का कहते हैं ना, वीट में अगर मैं इनटेक कम कर दूं, सिर्फ गंदम का उसका इस्तेमाल, तो मेरा वेट नीचे आना शुरू हो जाता है। आपको ग्लूटेन एलर्जी नहीं है ना? नहीं, कोई नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। तो आप अब क्या कर रहे हो? मैं तो आप खाने को मैनेज कर रहे हो, स्टॉप तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, आपने कम किया है, तो वही तो हम कह रहे हैं भी कम खाएं। आप फास्टिंग पे आ जाएं, 18 घंटे का फास्ट करें। जब 18 घंटे की फास्ट पे आ जाएंगे, यही गंदम आपके लिए बैसे रहमत बन जाएगी। फूड को समझना है, बॉडी को भी समझना है। नहीं, एक बात और भी है, चलें बोलें कि जो अब नई किस्म इंट्रोड्यूस हुई है गंदम की, छोटे कक्की जो पहले से छः वो होती रहे, उसमें ग्लूटेन का इंग्रेडिएंट ज़्यादा है और कुछ भी नहीं है, तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और उसको ग्लूटेन का कंटेंट ज़्यादा है, इसकी वजह से उसमें लेस ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, मैं फिर बता दूँ आपको, अगर ग्लूटेन एलर्जी है, अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है, रूमेटाइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, तो उसको ये बंद करना होगा। अदरवाइज़ ये आपके लिए एक अच्छा फूड स्टेपल है, आप इसको कंटिन्यू करो। ना सिर्फ इसको, हर वो चीज़ जो खाने के काबिल है और आपके लिए तैयब है, एलर्जी पैदा नहीं कर रही। कितने लोग हैं जिनको एग एलर्जी होती है, मिल्क एलर्जी होती है, सिट्रस एलर्जी होती है, वो लेमन किन्नू नहीं खा सकते बेचारे? तो उनके लिए हलाल तो है, सूटेबल, तैयब नहीं है। अब उसमें अपना YouTube चैनल शुरू कर रही है, मैं आपको उस दिन आइडिया दे के आया था, अगर वो सिर्फ अपने इसी वेट को लेके वीडियोस बनाना शुरू कर दे, इसमें मैं उसको गाइड करूँगा और आप फाइनेंशियल सपोर्ट करोगे उसको। अच्छा जी, तो उसका कंटेंट भी अच्छा बनेगा, वीडियोस भी उसकी शानदार हिट होंगी, उसका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। ये आप सोच लो और जाके बात कर लो उनसे, ठीक है? वो अपना टारगेट सेट कर ले, सपोज़ अगर 90 केजी वज़न है तो इसको कहाँ तक लेके आना चाहती है, 70 तक लेके आना चाहती है, 20 केजी वज़न डाउन करना है, तो उसी हिसाब से स्क्रिप्ट लिख के दूंगा मैं। जो मैं 4 साल से वेट लॉस चला रहा हूँ, तो मैं इनको वो चीज़ें बताऊँगा जिससे ना सिर्फ उसका वेट कम होगा। अगर मेरे अपने घर के बंदे सेट कर लिए मैंने, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आपके तो चेंज बड़ी नजर तो सही है। उज़्मा को 3 महीने लगेंगे, विद इन 3 मंथ अगर वो 70 पे ना आ जाए तो मेरा यूट्यूब चैनल उड़ा देना। चलो मैं मेरा कम करो, मेरा 90+ है, ठीक है? ठीक है ना, तो आप सुबह जाएं, सुबह जाओ, मैं जो इतने लिख के देता ना वो लेके आओ, सिर्फ एक ही चीज़ लेके आओ, ज़्यादा भी ना लेके आओ। बर्ड फीड जहाँ से मिलती है ना, वहाँ से आपने सामक लेके आनी है, 5 केजी सामक लेके आए, बस वो आपको मिलेगी 100 से 150 रुपीज़ पर केजी, वो आप लेके आए। जब लेके आ जाओगे फिर मुझे बुला लेना। नहीं, उसका मुझे पहले चखाओ, मैं खा भी सकता हूँ या नहीं। आप ले आओ, जिसने वज़न कम करना है वो खा लेगी। अगर कड़वे शरबत पिए जा सकते हैं तो ये खाने की चीज़ें ये क्यों नहीं खाई जा सकती? इसे पता करें शैतूत का, ज़रा नर्सरी से बैठा है बंदा? हाँ, ये बाबा यहाँ बैठा, पूछो। चले चले, साथ चले ना।
अस्सलाम वालेकुम क़िबला, अपने पास या नर्सरी अपनी है ना? आप डील करते हैं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम, सब क्या हाल है? कहाँ गए बाबा जी? ठीक ठाक है। तो फिर ये ऐसे लवारिस है? वो ही आते हैं कभी कभी। आपको इतना आखिर उन्होंने बेचारों ने मेहनत की है। आया आया कहीं काम को कभी कभी आते हैं ना, जब कभी कभी अब जितनी रहे बिकिन जाए कभी आते हैं बाप बाप का मजदूरी। अच्छा चलो ठीक है। दो बार हां भी आते हैं। अच्छा तो उसे खाना है, पकाना है? उसको खाना है, सिर्फ उसी को खाना है, और आपने उसके अलावा कोई दूसरा ग्रेन नहीं लेना, ओनली सावक। आप आज इसको जाके इंग्लिश में सर्च करना गूगल पे, ब्राउन टॉप मिलेट। ब्राउन टॉप मिलेट, मिलेट ठीक है, ब्राउन टॉप मिलेट के नाम से इसको सर्च करना, और फिर आपने इसके बेनिफिट्स को देखना है। दूसरा आपको मिलेगा फॉक्स टेल मिलेट। फॉक्स टेल मिलेट लोकल नाम है, बारीक कंगनी, स्मॉल कंगनी। ठीक है ले आओ, जहाँ आपके तोते खा रहे हैं, जहाँ आपके तोते खा रहे हैं वहाँ आप भी खाएं। पर बांध के उड़ो भी नहीं, मैं बताऊँ आप तोतों की तरह इतने हल्के फुल्के हो जाओगे, उड़ना शुरू कर दोगे, गारंटी है। मुस्तकिल जो है ना, वही तो बता रहा हूँ ना, जब आपका टारगेट वज़न अचीव हो जाए आप स्टॉप कर देना। अब वो 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, उसके बाद स्टॉप कर दें। 1 महीने में एवरेज कितना रिड्यूस होता है? आपका ज़ाती तजर्बा क्या है? मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि आपको फर्स्ट मंथ टक्के का रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको सेकंड मंथ से रिजल्ट मिलेगा। हाँ, वो स्टोर एनर्जी आपकी। ठीक, ब्राउन टॉप मिलेट आपके तमाम एलिमेंट्री कैनाल को पहले साफ़ करता है। फर्स्ट मंथ तो इसका लग जाएगा, तमाम इंटेस्टाइन्स, विलाई, स्टामिक, स्प्लीन, लीवर, पता नहीं किस किस चीज़ को, हर सीरीज को उसको साफ़ करने क्लीनिंग में लग जाएगा 1 मंथ। अगले महीने फिर आपका वज़न ड्रास्टिक ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, यानी आपको फील होगा कि हाँ यार मेरा वज़न नीचे जा रहा है। यस, आप ये बताएं कि आप भी यार मेरे इस वक्त, मैं आपको बताऊँ, मेरा इशू था सेंट्रल ओबेसिटी का, एब्डामिन का, बाकी मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है, स्टोल है, सेंट्रल ओबेसिटी। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप घर किस वक्त होंगे? तो मेरा पेट 44 इंच पेट का घेरा था, अब 40 पे आ गया है, 4 इंच का घेरा गिरा है। 40 अब मेरा पेट का घेरा 40 इंच है। अब टारगेट ये है कि इसको लेके जाना है 37, और मार्च का मेरा टारगेट है। तो अभी वो खा रहे हो? हाँ, हम सिर्फ दो हफ्ते बाद एक चीटिंग करते हैं, राइस पका लेते हैं, ठीक है, और आजकल एक चीटिंग मुसलसल चल रही है, वो है बाजरा, बाजरे की रोटी मुसलसल, ये चीटिंग है। क्यों? बाजरे का ग्लाइसीमिक इंडेक्स ऑलमोस्ट इक्वल टू गंदम, वीट के बराबर है। फ़र्क क्या है? ग्लूटेन फ्री है बस, और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जो फाइबर कंटेंट है वो भी लगभग 1% है। तो ये जितने मिलेट्स हैं ना, हालांकि ये बाजरा भी मिलेट में आता है, लेकिन इसके अंदर डाइट्री फाइबर बहुत कम है। तो आप ब्राउन टॉप मिलेट में डाइट्री फाइबर बहुत ज़्यादा मिलता है, फॉक्सटेल मिलेट में बहुत ज़्यादा मिलता है। नहीं, अगर जो है
देखिए 3 माह से हमने नवंबर में शुरू किया था इसको यूज़ करना, अब 3 माह हो गए हैं। 3 माह में मेरी वाइफ की डायबिटीज़ ठीक हो गई है, इसकी आंखें जा रही थी जो मेरे लिए बहुत बड़ा इशू था। अच्छा, आज बता रही थी कि ठीक हो गई है आई साइड। तो अब इस मेरी वाइफ के लिए गंदम चावल टोटली नॉन परमिसिबल, एक तरह का कह लें हलाल है, तैयब नहीं है, डायबिटिक लिए तो बिल्कुल तैयब नहीं है। उसको बोल दिया आपने चीटिंग करनी होगी तो बाजरे की कर लो, बस आप चावलों की चीटिंग भी अलाउड नहीं है आपको। आप चावल तो आपके यहाँ बहुत खाए जाते थे, बंद करा दिए ना आप? हाँ, असल में वो हमने चावल क्यों शुरू किए हुए थे, वाइफ की वजह से, उसकी जो वीट बंद कराई हुई थी ना। लेकिन मैं जब भी उसके ग्लूकोज कर रहा हूँ, टके का फ़ायदा नहीं हो रहा, वहीं कुहीं खड़ी है। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया, यार क्या बला है, ये हो क्या रहा है, गंदम बंद है। पता चला दूसरा एलिमेंट जो चल रहा था चावल, बस ख़त्म कराया उसको। अब चावल की चीटिंग मंथ में एक दफ़ा होती है। अच्छा, ये जो आप पका हुआ है ये मैं थोड़ा सा आप टेस्ट कराएंगे पहले? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। वैसे ना वजह पता क्या है, वजह ये है कि लैक ऑफ मोटिवेशन में आप सिर्फ चीज़ें चखते रहोगे, यू विल डू नथिंग। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, नहीं पका हुआ खाऊँ तो नहीं, नहीं कोई चीज़ आदमी मुस्तकिल खाने से पहले कहीं चखता तो है। तो आप अपने तौर पर उसको एक्सपीरियंस करो ना। हमें किसने कहा था कि जनाब ब्राउन टॉप मिलेट को बना बनाए हमें जो खा रहा हूँ, हमें तो आप मिल गए। तो मुझे ज़रूरत थी ना, तो मैंने नखरा नहीं किया, पता नहीं इसका जायका कैसा है, पता नहीं ये कैसा है, मुझे ज़रूरत थी, मेरी वाइफ को ज़रूरत थी। तो हमने कोई नखरा नहीं किया, कोई ड्रामेबाजी नहीं की, सीधा गया चीज़ लेके आया, उसको बनाया, छाना, उसको साफ़ करने में जो मेहनत लगती है ना, आप उसी से भाग जाओगे। अच्छा, हाँ क्या उसमें मिक्सिंग होती है? नहीं, उस सीड के ऊपर जो हस्क है ना, उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, उसको आप ग्राइंडर के ज़रिए हाफ़ पल्स करेंगे, आधा डालेंगे, फिर चलाएंगे, आधा चलेंगे, फिर बंद करेंगे, तो इस तरीके से फिर जाके बंद होगा। अच्छा, 20% हस्क निकल जाती है, 1 kg लेके आएंगे 200 ग्राम हस्क निकल जाएगी।